हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजीता, आप देख रहे हैं लोकल ओशन, जहां आपको मिलता है रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट के। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक मॉइस्चराइजर का रिव्यू लेकर के आई हूं एंड दिस इज अ नॉन कॉम्बिनोजेनिक मॉइस्चराइजर एंड दिस मॉइस्चराइजर इज फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट स्किन साइंस, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। और गाइज, मिनिमलिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं तो दिस इज प्योरली साइंस बेस्ड ब्रांड और अपनी इन्फॉर्मेशन ये हिडन नहीं रखते हैं। सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी हुई हैं। किसी भी तरीके के पैराबीन, सल्फेट, डाइज या एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में नहीं किया है। इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं इनके डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड दे आर प्राउडली मेड इन इंडिया, इसलिए आप इसका रिव्यू यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज इसी के मॉइस्चराइजर का रिव्यू मैं करने वाली हूँ। एंड गाइज, इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इट विल जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरे अपकमिंग लेटेस्ट रिव्यूज की जानकारी मिलती रहे। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज विटामिन B5 मॉइस्चराइजर और ये एक नॉन कॉम्बिनोजेनिक मॉइस्चराइजर है। काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है ये। तो ये ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके अलावा अगर इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो दिस कम्स फॉर ₹349 रुपीज में आपको ये 50 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाएगा। गाइज, आई रियली लाइक द पैकिंग, काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, कुछ ऐसा फैंसी से नहीं किया है इन्होंने अपनी पैकिंग में। काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड डिसेंट पैकिंग है इनकी एंड ब्लैक एंड वाइट के ही कलर पैलेट में इनके ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स गए हैं। इसके साथ मैंने इसका फेस वॉश भी लिया था सैलिसिलिक एसिड का, उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। एंड अगर बात कर ली जाए इस मॉइस्चराइज़र की तो इसका टेक्सचर मैं आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर है एंड ऐसा भी नहीं है बहुत रनी कंसिस्टेंसी का है या बहुत ज़्यादा थिक है। दिस इज़ परफेक्ट एंड दिस इज़ आइडियल फॉर विंटर्स। अगर आप विंटर्स के लिए कोई नॉन कॉम्बिनोजेनिक मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। देखिए, काफ़ी अच्छे से क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा ये आपकी स्किन में और काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन दे देता है आपकी स्किन को। ये क्या होता है, जनरली विंटर्स में जो हम क्रीम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली होती है। अगर आप एक नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं। एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसको सनस्क्रीन के अंडरनेथ भी लगा सकते हैं या अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उसके अंडरनेथ भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने लेयरिंग करी हुई है, बहुत ज़्यादा बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है ये आपकी स्किन में। इसके अलावा ये मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री है तो आपको किसी भी तरीके की ग्रीसीनेस अपने फेस पे नहीं दिखेगी, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे एंड काफ़ी अच्छा मैट लुक आता है आपके फेस पे। उसके साथ साथ आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी लगती है। एंड गाइस, इसमें जो विटामिन B5 का यूज़ किया गया है वो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट कर देता है, आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और अगर आपके फेस पे किसी भी तरीके की रेडनेस या इरिटेशन हो रहा है उसको भी रिड्यूस करता है। गाइस, इसमें आपको काफ़ी सारे मिनरल्स की गुडनेस भी मिल जाएगी, जैसे कि इन्होंने इसमें जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम यूज़ किया गया है, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को तो बढ़ाता ही है, स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है एंड स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा इसमें इन्होंने हाइलुरोनिक एसिड एंड बीटेन का यूज़ किया है, जो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन दे देता है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, प्लम्पियर दिखती है। और गाइस, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो मैं इसको लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ। आप देख ही सकते हैं, इतना तो मैंने ख़त्म ही कर दिया, इसको थोड़ा सा ही बचाइए। तो आफ्टर अ 1 मंथ डेफिनेटली मुझे अपने स्किन टेक्स्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क समझ में आया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरा स्किन टेक्सचर। इसके अलावा इसने मुझे किसी भी तरीके के एक्ने एंड ब्रेकआउट्स नहीं दिए हैं एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाते हैं किसी भी क्रीम से, बट इससे मुझे किसी भी तरीके का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसके पहले मैं डीकंस्ट्रक्ट का नॉन कॉम्बिनोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी, NMF वाला, वो भी काफ़ी अच्छा था, उसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पर उसको भी मैंशन कर दूँगी। एंड उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बट इससे भी मुझे किसी भी तरीके की कोई एक्ने एंड पिम्पल की प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड इफ़ यू वांट अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दिस मॉइस्चराइजर एंड द डीकंस्ट्रक्ट NMF तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर उन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगी। एंड अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो जिनकी ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रोन स्किन है और वो विंटर्स के लिए एक अच्छी नॉन कॉम्बिनोजेनिक मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो दे कैन डेफिनेटली गो विद दिस और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इंडियन ब्रांड और अदर इंडियन प्रोडक्ट। तब तक के लिए यूज़ इंडियन प्रोडक्ट, बाय इंडियन प्रोडक्ट, बी वोकल फॉर लोकल। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।